गाजियाबाद में एक मौलाना ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आरोपी मौलाना ने एक 13 साल के बच्चे के साथ कुकर्म किया। मामला लोनी थाना इलाके का है, जहां मदरसे में पढ़ने वाले छात्र ने मौलाना पर कुकर्म का आरोप लगाया। आरोप है कि यहां पढ़ाने वाला मौलाना नाबालिग पर गंदी नजर रखता है और छात्र के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित छात्र के पिता ने पुलिस में तहरीर दी और आरोपित मौलाना साकिब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया। आज दिनांक 3/9/2024 को अंकुर विहार थाना क्षेत्र में स्थित डाबर तालाब चौकी में एक व्यक्ति के द्वारा तहरीर दी गई कि उसके 13 वर्षीय पुत्र के साथ, जो कि एक मदरसे में पढ़ता था, उसी मदरसे में पढ़ाने वाले साकिब सनाफ शमसुद्दीन मूल निवासी बिजनौर के द्वारा दुष्कर्म किया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी साकिब बिजनौर जिले का रहने वाला है। फिलहाल मामले में और भी साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस मदरसे के छात्रों और वहां काम करने वालों से पूछताछ कर रही है, ताकि मौलाना के काले कारनामों का पर्दाफाश हो सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।